हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग शुरू करने वाले हैं फोटोशॉप। और हमारे इस चैनल में पहले से फोटोशॉप बहुत कम ही वीडियोस पड़े हुए हैं एंड हम कंटिन्यू करना चाहते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के सारे वीडियोस इस चैनल में, और दूसरे चैनल जो कि डिजाइनर टेन है उसमें हमारा कोरल ड्रॉ से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आ रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आज की इस वीडियो में हम इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने वाले हैं। ये मेरी बेटी का फोटो है और इसको हम सेलेक्ट करने वाले हैं, सेलेक्ट करने करके इसका बैकग्राउंड हटाने वाले हैं। तो ओवरऑल मेरा टारगेट है, अचीव करना है कि बैकग्राउंड हटाना, मेरा ये टारगेट है। सबसे पहले मैं अपना बैकग्राउंड लेयर को कॉपी कर लिया है मैंने। एंड अभी आप लोग क्या करते हो ना, बस मैं ये करने वाला नहीं हूँ लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, सेलेक्ट में जाते हो आप लोग, सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हो, इस तरीके से ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करता है आपके AI। और जितना ही नए वर्जन के होंगे उतने ही अच्छे सिलेक्शन मिलेंगे आपको आपके फोटोशॉप का। और इस पे मुझे उतना ज़्यादा मज़ा इसलिए नहीं आता है कि मुझे जो ये सिलेक्शन मिलता है ना परफेक्ट, कहीं कहीं बहुत दिक्कत होता है, दोबारा से काम करना पड़ता है। अगर आप देखें तो इसका एजेस को देखें तो इस तरह का एजेस मिलते हैं हमें। ओके, ये जो सिलेक्शन बना रहे हैं और इस तरीके का एजेस मिलते हैं, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं होता है, खुद से ही सिलेक्शन करना पसंद करता हूँ। तो और थोड़ा परफेक्ट सिलेक्शन मिलता है लेकिन प्रॉब्लम आएगा मुझे यहाँ पर बाल के पास, जहाँ बाल है तो वहाँ पे भी हम लोग कुछ करेंगे। तो इस वीडियो को फुल देखें ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे होना है ये। सबसे पहले हम लोग पेन टूल ले लेते हैं और हम लोग अपना जर्नी यहाँ से शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत आपको बीच बीच में फास्ट फॉरवर्ड देखने को मिलेगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। यहाँ मेरा सिलेक्शन शेप मोड में है, इसको मैं पाथ मोड में कर देता हूँ। जब भी सिलेक्शन करें आप मैनुअली, कोशिश करना है कि एज के हल्का अंदर रहना है, तब आपको एक परफेक्ट एज मिलेगा। मैनुअली करने का तो ये फायदा है, और आप डिसाइड करते हैं खुद से कि आपको कहाँ से कैसा सिलेक्शन चाहिए। सो फ्रेंड, यहाँ एक इशू है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारे बाल आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ अगर बाल सेलेक्ट करूँ तो उसके लिए एक और फंडा है, मतलब उसके लिए एक अलग स्टेप है। तो मैं उस स्टेप को थोड़ा फॉलो करने का कोशिश ज़रूर करूँगा लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आएगा कि बाल का कलर और बैकग्राउंड में जो बाल का जो बैकग्राउंड में ये वाला कलर है सेम है, और ये थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको करेंगे। ओके, एंड अगर मैं इस फोटो में से बाल हटा दूं, ये जो एक्स्ट्रा बाल है, तो भी अच्छा लगेगा, लेकिन सीखने का क्या फ़ायदा अगर मैं इस चीज़ को ना बताऊं। तो चलिए सबसे पहले मैं बाल के आउटर पार्ट में रहता हूं। ओके, मैं अंदर नहीं जाता हूं यहाँ पे हर जगह मैंने परफेक्ट सिलेक्शन किया है, बट यहाँ कोई मैं परफेक्ट सिलेक्शन नहीं कर रहा हूँ, और जितना हो सकता है सही से करने का कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो बाल है, यहाँ जो बाल है ये बहुत ही पतला है यहाँ पे, ये बाल भी डिस्टर्ब करेगा, बट लेकिन जो भी है कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम बाल को सेलेक्ट करने का। तो आगे ऊपर सब सही है, ऊपर की ओर देखा जाए तो ये एरिया सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ भी ऐसा रहेगा तो हम लोग ऐसे ही रफ सेलेक्शन ले लेंगे जैसे मैंने नीचे साइड किया है।
तो फ्रेंड यहाँ जो ये हेयर है ये बहुत ही पतला सा है, बाहर तरफ है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा एंड जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मैं उसे यहाँ पर छोड़ना पसंद करूँगा। लेकिन हाँ जो मैं चाहता हूँ कि आप उनको देखो तो मैं वो उस पर मैं फोकस करता हूँ। एक्यूरेट सिलेक्शन करना है नीचे की ओर का है, क्योंकि इधर की ओर जो अभी फाइनल वर्क हो रहा है ये फाइनल ही वर्क हो रहा है और इसके बाद हम लोग सिलेक्शन में वर्क नहीं करने वाले हैं नीचे की ओर, क्योंकि इधर हमें एज दिख रहे हैं और हम इसे मैनुअली सेलेक्ट कर रहे हैं तो मैनुअली अच्छा सिलेक्शन मिलता है। वाइट एजेस जो बाहर दिख रहे हैं मैं उससे थोड़ा अंदर रहने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने फुल्ली फाइनल कर लिया है अपना पेन टूल का सिलेक्शन। कंट्रोल जीरो से हम छोटा करते हैं और देखिए कितना ज़्यादा नोड आया है, बहुत ज़्यादा नोड आया है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा जूम किया था और यहाँ अभी भी कई जगह है जहाँ हमें सिलेक्शन करना बाकी है और इसको भी हम लोग अभी कर लेते हैं। सबसे पहले इस ये जो पाथ हमने बनाया ये बर्बाद ना जाए, इस वर्क पाथ को हम लोग सेव कर लेते हैं या फिर कहें तो नया नाम दे देते हैं। सपोज अब भी हमारे पास पाथ है, बना हुआ है पाथ और इसको हम सेलेक्ट नहीं करते हैं इस लेयर को, एंड जब हम फिर से कोई पाथ बना लेते हैं तो ये वर्क पाथ में बनता है। तो कभी ऐसा ना हो कि आपका पुराना वर्क पाथ जो ये वाला पाथ है जो ये बनाया हुआ है वो गड़बड़ हो जाए, तो उसके लिए उसे रीनेम कर लें। तो यहाँ एक पाथ बन गया और दूसरा इस साइड और ये हमारा न्यू वर्क पाथ में बन रहा है। तो यहाँ भी हमारा एक पाथ बन गया और इसका भी मैं रीनेम कर देता हूँ, नहीं तो पता चलेगा ये गायब हो गया बाद में। कुछ भी रख देता हूँ इसका नाम एंड अब हम लोग यहाँ पे पता चले यहाँ जो हमने एक लेयर बनाया है इस लेयर में एक कलर भरते हैं, रेड या कुछ भी कलर भर दीजिए। हमने यहाँ कलर भर दिया, हमारा इमेज अभी भी है यहाँ है और नीचे भी है। इस इमेज में हम लोग सिलेक्शन बना लेते हैं। सिलेक्शन बनाने के लिए जो मैंने पाथ बनाया था ये वाला पाथ, इसको सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे और वहाँ पर भी रहकर या फिर यहाँ पर आ करके आप राइट क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको होगा मेक सिलेक्शन वाला ऑप्शन और यहाँ आप अपना फीडर देंगे और फिर ओके करेंगे और उसके बाद आपको जितना आउटर एरिया है उस ये जो नैन्सी का जो हमने फोटो है इसको छोड़ करके बाहर का सब कुछ यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है। आप यहाँ पर सिंपली डिलीट भी दबा सकते हैं ओके। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर इरेजर टूल ओके। बैकग्राउंड इरेजर टूल है और एक इरेजर टूल है और एक मैजिक इरेजर टूल भी है। तो आप लोग इनमें से किसी भी इरेजर टूल का इस्तेमाल करके इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं बैकग्राउंड को ओके। तो यहाँ पर एक मैजिक इरेजर टूल भी है, आप मैजिक इरेजर टूल चलाएंगे तो इस तरीके से कुछ डिलीट होगा, वो कलर जहाँ जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड कलर्स को वो कैच करके कर रहा है। लेकिन हाँ वो हमारे इस इमेज को इफेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये इमेज उसका सेलेक्शन के दायरे से बाहर है। और हमारे पास एक बैकग्राउंड इरेजर टूल भी है जिससे हम लोग बैकग्राउंड इरेज किया करते हैं
इस तरीके से। तो अभी हम लोग सिंपल इरेजर टूल का इस्तेमाल करके, क्योंकि हमारा पता है कि हमारा बार को ही अभी इरेज करना है, तो ये बार जितना भी चीज़ें था, जो भी चीज़ें था, सबको हमने डिलीट कर दिया। मतलब हम डिलीट बटन भी दबा देना तो इरेज हो जाएगा। लेकिन अब बात आता है मेन, ओके। और एक जगह बच गया, पहले कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ जो बच गया अब इसका सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पाथ में आइए, ये वाला जो पाथ है इस पर रहिए, और फिर हमने डबल बनाया था, अंदर के लिए अलग से बनाया था, और फिर इसके लिए फिर से मेक सेलेक्शन करें और रेडियस दें, और फिर ये सेलेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ भी यहाँ भी आप अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। इस लेयर में रहिए और कंट्रोल जीरो से देखिए, ये बाहर की ओर सेलेक्टेड है, तो उसके अलावा हर जगह डिलीट कर देगा। इसलिए कंट्रोल शिफ्ट आई करें और फिर इसे डिलीट कर दें। वो जगह अब डिलीट हो गया है, आप देख सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई से मैंने उस जगह को सेलेक्ट कर लिया था। अब हम लोग आते हैं मेन पार्ट, जिसको कि हमने बताया था कि बाद में इसको हम लोग अपने तरीके से देखेंगे। तो इसको देखने का सिंपल सा तरीका है, ओके, मतलब इसको करने का सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पर से हमें अंदर का बिल्कुल सिलेक्शन नहीं लेना है, बाहर का जो जो एरिया हमें काम करना है वहाँ का सिलेक्शन लेना है। इसको भी हम लोग पेन टूल से ही कर लेते हैं, चाहेंगे तो लेजो से भी कर सकते हैं और भी दूसरे टूल से कर सकते हैं, बट हम लोग पेन टूल से ही करते हैं। तो एक नया सिलेक्शन यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। जो एरिया हम लोग बिल्कुल इफेक्ट नहीं करना चाहेंगे, उस एरिया को हम लोग इस साइड से सेलेक्ट करेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि ये एरिया डिलीट हो हमारे नए टूल के यूज़ से, तो हम लोग इस तरीके से सेलेक्शन बनाते जाएंगे। इसलिए मैं पेन टूल करता हूँ यूज़, क्योंकि मैं जब टाइम देकर वर्क करूँगा तो 100% है कि अच्छा से करूँगा। और यहाँ शॉर्टकट तरीका भी है, आप यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट तरीका, 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा उससे काम करने में। इस साइड कोई दिक्कत नहीं है, इस साइड से हमें प्रिसीजन नहीं करना है, मतलब उतना भी ज़्यादा परफेक्ट सिलेक्शन करने का ज़रूरत नहीं है इस साइड से। तो इस साइड से प्रिसाइज सिलेक्शन का ज़रूरत नहीं था, लेकिन जिस साइड से हमें ज़रूरत था उधर से हमने कर लिया। अभी हम लोग इसको करते हैं, इस साइड भी बना ही लेते हैं दूसरे साइड, क्योंकि दोनों को एक साथ ही कर लेंगे। तो फ्रेंड अब आता है बाल का बारी। तो बाल में हमने चारों तरफ से यहाँ पे पाथ बनाया हुआ है। इस पाथ को हम लोग सबसे पहले पेन टूल से राइट क्लिक करेंगे और मेक करेंगे सिलेक्शन को, और यहाँ अपने हिसाब से रेडियस डाल दीजिएगा। 0.5 मैं डाल रहा हूँ, आप 1 भी डाल सकते हैं, आपका इमेज पर डिपेंड करता है। एंड यहाँ जब हमने यहाँ पर सिलेक्शन बना लिया, तो हमें बैकग्राउंड को अब डिलीट करना है, इरेज करना है। और बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए हम लोग बैकग्राउंड इरेजर टूल ले लेंगे। यहाँ देख सकते हैं बैकग्राउंड इरेजर टूल, ओके, ये वाला। डिसकॉन्टिन्यूस में रखेंगे, यहाँ टॉलरेंस मैं फ़िलहाल ज़्यादा नहीं रखूँगा, 14 के अप्रोक्स रखता हूँ, बाद में और नीचे ऊपर करता रहूँगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आपका बैकग्राउंड वाला कलर है वाइट वाला, इस पर सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आप अपना बैकग्राउंड इसे बताएंगे कि कौन सा बैकग्राउंड है आपका। फिलहाल सबसे पहले मैं लाइटेस्ट कलर को यहाँ पर इंडिकेट करता हूँ और ओके करता हूँ, और फिर मैं यहाँ से बैकग्राउंड इरेजर टूल चलाऊँगा। कंट्रोल शिफ्ट आई कर लेता हूँ ताकि ये एरिया अभी तक सेलेक्ट नहीं हुआ है तो वो हो जाए। तो अभी हो गया है, तो आप देख सकते हैं सिर्फ लाइटेस्ट कलर जिसको हमने बताया है इस पर वो इरेज हो रहा है, ओके, बैकग्राउंड में से। जो लाइटेस्ट कलर है वो इजीली इरेज हो रहा है, इसका टॉलरेंस कम रखेंगे ताकि नहीं तो मेरा बाल भी खत्म हो जाएगा, ओके। अब टॉलरेंस कम है तो उसी हिसाब से वर्क हो रहा है, कहीं कि आपको अब कम काम करने को दिख रहा होगा, लग रहा होगा कि कहीं कहीं काम ही नहीं कर रहा है, तो वो टॉलरेंस घटाया हुआ इसीलिए। और टॉलरेंस घटाने के बाद आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर लीजिएगा, ओके।
तो अभी और भी, अभी हम और एक बार इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो कलर है ये वाला कलर, इसको सैंपल करते हैं और ओके करते हैं। बैकग्राउंड में क्लिक करके, इस वाले में क्लिक करके तब सैंपल करना है। मैंने कई कई जगह यहाँ मिस्टेक किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टाइम टेकिंग वर्क है ये, और आपको यहाँ पर सिलेक्शन करने में कितना मेहनत लग सकता है ये आप देख ही सकते हैं। ओके, और जब आपको लगे कि हाँ फुल्ली मैंने फिनिश कर दिया है, ओके फुल्ली अच्छा से फिनिश करना है, ओके यहाँ पे आपको सैंपल बार बार करना पड़ सकता है। तो मैंने यहाँ पर जैसे हुआ मैंने वो कर दिया है थोड़ा बहुत। एंड आपको लास्ट में क्या करना है, अगर आपको लगे क्या कि बाहर का एज में जो है ये चीज़ें डिस्टर्ब करेगा, तो सिंपली सिर्फ बैकग्राउंड इरेजर टूल लेकर के इन चीज़ों को डिलीट कर दीजिएगा। ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब करेगा, अच्छा नहीं लगेगा। एंड ये जो एक्स्ट्राज हैं इन चीज़ों को डिलीट कर लीजिए। ओके, जो आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि भाई ये एक्स्ट्राज हैं तो उन्हें डिलीट कर लीजिए। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जीरो से इसको छोटा कर देता हूँ, और आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे जो है बहुत चीज़ें बिल्कुल एक्स्ट्रा हैं। हाँ, इस फोटो की कंडीशन में ये चीज़ें अभी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको रखूँगा ही नहीं। लेकिन हाँ, इस साइड तो अच्छा लग रहा है जो नज़दीकी है, तो वो रहेगा। ओके, इस तरीके से मैंने इसे हटा दिया। एंड इस साइड भी हमें उस तरीके से ही काम करना है, और इसको मैं काम करने के लिए सिंपली पाथ्स में जाऊंगा, वर्क पाथ में। यहाँ पे मैं पेन टूल से मेक सिलेक्शन कर दूंगा। ओके, यहाँ मेरा सिलेक्शन हो चुका है। एंड अब कंट्रोल शिफ्ट आई कर दूंगा और यहाँ पे मैं अपना बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लूँगा, जो कलर मेरा बैकग्राउंड होना चाहिए। फिलहाल ये कलर मेरे लिए बैकग्राउंड है। एंड अब हमारे इरेजर टूल में से बैकग्राउंड इरेजर टूल ले लूँगा, और टॉलरेंस इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा ही रखूँगा, 15 के करीब रखूँगा, ताकि मैं जल्दी से ही इसको फिनिश कर पाऊँ। ओके, अगर आपके पास अच्छे कैमरा का फोटो है तो वो अच्छा ही रिजल्ट देगा। ये वाइट भी डिलीट कर पा रहा है, आई डोंट नो। अगर मैं इसको वाइट ही कर दूं विदाउट सैम्पलिंग बैकग्राउंड को, मतलब व्हाइट अगर बाल में से व्हाइट जो रहेगा वो उसको भी डिलीट करेगा, इसीलिए व्हाइट मैंने इस बार परफेक्टली फुल व्हाइट ले लिया। ओके, कुछ हद तक हमने यहाँ पे वर्क किया। आप स्मूथली काम कीजिएगा, अच्छा से कीजिएगा। मैंने ब्रश ही बड़ा साइज का रख लिया था, और मैं साइड से क्लीन कर लेता हूँ। एंड एवरीथिंग इज ओके। तो यहाँ व्हाइटनेस जो रह गया है उसे भी आप रिमूव कर सकते हैं, सेम ट्रिक में थोड़ा मेहनत करके वर्क करेंगे। तो अब ऐसे में आपको आपके सामने एक सिलेक्शन मिल गया, कंट्रोल जीरो से आप देख लीजिए। और ये हमने बहुत ही ज़्यादा जूम करके वर्क किया, और हमने बाल को भी सेलेक्ट करने की कोशिश किया, वर्क करने का कोशिश किया, और जो मैंने तरीका बताया सेलेक्ट करके बाल के एरिया में, उसी तरीके से काम करना है। आप बैकग्राउंड इरेजर टूल चलाओ या फिर आप रिफाइन एज वाला काम करो, बस उस तरीके से करो तो अच्छा से कर पाओगे। क्योंकि मेरा फोटो ये मोबाइल से क्लिक्ड है, और यहाँ पे मुझे जो बाल का जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लरी है, ब्लरी, और इसमें कोई डिटेल्स नहीं है।
तो इसी के कारण थोड़ा मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ, लेकिन अगर आपके में अच्छा डिटेल्ड वाला फोटो है और डिफरेंस कलर डिफरेंस है, जैसे बैकग्राउंड का कलर भी उसी कलर का नहीं हो जिस कलर का बाल हो, तब आप अच्छा कर पाएंगे, इस जगह अच्छा रिजल्ट आएगा। मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है कि जो हमारा बैकग्राउंड का कलर है, बाल के पीछे वाला कलर, वो सेम है, बाल वाला ही है। टाइल्स में जो कलर है, ये बाल में जो कलर है वही टाइल्स में भी कलर है, जिसके कारण हमें यह प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो अभी क्या है कि आप बैकग्राउंड में अब इसे, ये आप PNG के तौर पे आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे PNG करके आप सेव कर सकते हैं और इसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैं इसे PNG ही बनाऊंगा। अगर आपको इस तरीके से फ़ोटो कट आउट बना कर रखते हो कई सारे, जिसको बार बार यूज़ करते हो, तो ये आपके लिए बेहतरीन होगा। और इस तरीके का ट्यूटोरियल अगर और भी चाहते हो, फोटोशॉप से रिलेटेड नॉलेज चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोरल ड्रॉ से रिलेटेड नॉलेज चाहते हो तो हमारा सेकंड चैनल डिज़ाइनर डेन, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसका वेबसाइट है designerden.in। और हमारा एक ऐप भी है जिसका नाम है डिज़ाइन पोस्ट, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। designpost.xyz है उसका वेबसाइट, वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।